बहुत लोग बात करते हैं मानव धर्म की, हम भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, हम मानव धर्म मानते हैं। मानव धर्म का ज्ञान कौन कराएगा तुम्हें? मानव धर्म का ज्ञान भी धर्मशास्त्र ही कराएंगे। मानव का धर्म क्या है? एक व्यक्ति बिहार से आए थे, शर्मा जी थे, कहने लगे हम किसी धर्म को नहीं मानते, मानव धर्म मानते हैं। अभी की बात है, चातुर्मास की, हम यहीं लकड़ी की बैठक है हमारी, वहीं बैठे थे। तो हमने कहा कि द्वारका आना कैसे हुआ है? तो कहने लगे भगवान के दर्शन करने के लिए। तो हमने कहा तो भगवान को भी मानव मान के आए हो कि भगवान मान के आए हो? कौन सी बुद्धि है आपकी? जब आप मानव धर्म मानते हो तो दूसरे को मानना नहीं है, तय है। तो गर्भगृह में जो द्वारकाधीश बैठे हैं वो मानव हैं कि भगवान है? इतना सा मुंह हो गया, चला बोले ही नहीं कुछ, कुछ कहना और कुछ करना। जब तुम्हारे अंदर से नहीं निकलता है तो मानो ना, साफ साफ कहो ना कि हम द्वारकाधीश को भगवान मानते हैं। जब तुम मानते हो तो कहने में क्या तकलीफ है, कहने में क्या कष्ट होता है? इसलिए धर्म का पालन करना यानी धर्म और धर्माभास, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो भगवान बोले अर्जुन से, अर्जुन जिस काल में यह पुरुष मन में स्थिर हो करके संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, अपने ही आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं।